आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। दो दिवसीय दौरे पर बुधवार को अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एनेक्सी भवन में की विकास व निर्माण कार्यों की समीक्षा। गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर गुरु गोरखनाथ महाराज की आराधना। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की प्रतिमा पर टेका मत्था। गुरुवार को अयोध्या के लिए होंगे रवाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में एनेक्सी भवन के सभागार में संपन्न हुई विकास एवं निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक। निर्माणाधीन सड़कों को समय से पूरा करने के साथ विकास कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। कहा, अक्टूबर तक पूरा करे एम्स का निर्माण कार्य। वैक्सीनेशन है निःशुल्क, धांधली बर्दाश्त नहीं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बुधवार को मतदान स्थलों की संभाजन एवं मतदाता सूची की प्रगति की समीक्षा। मतदाता पहचान पत्रों का मुद्रण एवं वितरण में तेजी लाने के दिए निर्देश। प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी की अध्यक्षता में बुधवार को सर्किट हाउस के सभागार में संपन्न हुई बेसिक शिक्षा विभाग की मंडलीय समीक्षा बैठक। कहा, रखे तैयारियां पूरी, कभी भी खुल सकते हैं स्कूल। भारत स्वाभिमान पतंजलि योगपीठ के तत्वावधान में आचार्य बालकृष्ण के जन्मदिन को मनाया गया जड़ी बूटी दिवस के रूप में। निःशुल्क वितरण किया गया औषधीय पौधा। महापौर ने कहा, प्राचीन काल से ही रहा है जड़ी बूटियों का महत्व। कोरोना काल में आम लोगों ने उठाया है औषधीय पौधों का लाभ। बुधवार को जिला अस्पताल सहित जनपद के 24 केंद्रों पर 6303 लोगों को किया गया कोविड का वैक्सीनेशन। फर्स्ट डोज लेने वालों में 5088 तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 1215 लोग रहे शामिल। सीएमओ ने कहा, अवश्य लगवाएं टीका, जीत का। पूर्व प्राचार्य एवं इतिहासकार स्वर्गीय कुंवर बहादुर कौशिक की 6वीं पुण्यतिथि पर आयोजित किया गया श्रद्धांजलि सभा। उद्यान मंत्री सहित अन्य लोगों ने पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। मंत्री ने कहा, स्वर्गीय कुंवर बहादुर का सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन में रहा महत्वपूर्ण योगदान। वर्तमान में युवा ले उनसे प्रेरणा। गोरखपुर में बुधवार को मिले 3 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,372। अब तक 848 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके हैं अपनी जान। 16 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के नवनियुक्त प्रदेश सचिव आशुतोष गुप्ता के जनपद में प्रथम आगमन पर बेदिहाता स्थित कार्यालय पर किया गया भव्य स्वागत। कहा, संगठन को मजबूत बनाने का किया जाएगा कार्य। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ के प्रभारी निरीक्षकों की अध्यक्षता में कुलियों की बैठक हुई संपन्न। स्टेशन परिसर में संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु दिखने पर जीआरपी या आरपीएफ थाने पर सूचना देने की गई अपील। दुष्कर्म के आरोप में वांछित एक अभियुक्त को रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। और कोरोना संक्रमण पर प्रभावी लगाम लगाने के उद्देश्य से शासन द्वारा रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लगाए गए कोरोना नाइट कर्फ्यू बुधवार को भी रहा लागू। सड़कों पर बेफिक्र घूमते नजर आए लोग। मिला जुला रहा नाइट कर्फ्यू का असर।